सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, देखिए, उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं मुख्तार अंसारी, हालांकि अब उस दुनिया में नहीं हैं और उस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी के नाम से इतने सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना कि आए दिन लगातार शिकंजा कसता नजर आता है। हालांकि मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्य भी इस कानूनी पचड़े में लगातार फंसते हैं, चाहे उनके बड़े भाई हम अफजाल अंसारी की बात कर लें जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, चाहे उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी की बात कर लें। अब्बास अंसारी तो फिलहाल कासगंज जेल में बंद है, तो वहीं उनकी बहू के साथ उनके छोटे बेटे उमर अंसारी भी लगातार कानूनी पचड़े में फंसते नजर आते हैं। इस कड़ी में अब उनके बेटे यानी कि उमर अंसारी की हेट स्पीच के मामले में कोर्ट पहुंचे हैं, तो पूरा मामला क्या है चलिए हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जी, बात करें तो हेट स्पीच के मामले में दिवंगत मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी मऊ कोर्ट में पहुंचे थे। कल जो है मऊ कोर्ट में पहुंचे थे। उमर अंसारी के ऊपर विधानसभा उपचुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट में पहुंचे उमर अंसारी पूरे समय मीडिया से बचते रहे। कोर्ट में हेट स्पीच मामले में उमर अंसारी की पेशी हुई थी। आपको बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी पर अधिकारियों को धमकाने और देख लेने का मुकदमा मऊ कोतवाली में दर्ज हुआ था। इससे पहले 19 सितंबर को मऊ कोर्ट में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके माध्यम से उमर के भाई अब्बास की कोर्ट में पेशी हुई थी। उस समय हेड स्पीच मामले का गवाह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका था और कोर्ट ने इस बात के लिए यानी कि 25 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। अब देखना यह होगा कि उमर अंसारी इस मामले में पेश हुए हैं तो आने वाले में जब नतीजा आता है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है, बने रहेगा चैनल के साथ बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।